हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया ट्रेपोनिमा पैलिडम। ठीक है, तो जो ये ट्रेपोनिमा पैलिडम जो बैक्टीरिया होता है वो कोजिटिव एजेंट होता है सिफिलिस डिजीज़ का। मतलब कि ट्रेपोनिमा पैलिडम कौन सी डिजीज़ कोज करता है? सिफिलिस डिजीज़। सिफिलिस एक तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, अब हम जो ट्रेपोनिमा पैलिडम जो बैक्टीरिया है उसके फैमिली ग्रुप की बात करते हैं। तो ट्रेपोनिमा पैलिडम स्पायरोकेट्स फैमिली का मेंबर है। ठीक है, स्पायरोकेट्स फैमिली के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो स्पायरोकेट्स ग्राम नेगेटिव टाइप की सेल वॉल होती है इसके अंदर, कंपोज्ड ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन। दे आर स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर बैक्टीरिया। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती है देन अदर बैक्टीरिया से। ठीक है, दे आर लार्ज एक्टिवली मोटाइल एंड हेलिकल बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, एक्टिवली मोटाइल होते हैं और कैसे होते हैं? हेलिकल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अब यहाँ पर हम हमारे बैक्टीरिया की बात करेंगे ट्रेपोनिमा पैलिडम की। तो ये कोजिटिव एजेंट होता है ऑफ द सिफिलिस डिजीज़ का। अब यहाँ पर इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, रोड शेप का होता है, थिन होता है, लार्ज होता है। इसके हम डायमीटर्स की बात करें तो 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है और इसकी वाइडनेस होती है 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिवली मोटाइल होता है, मूवमेंट कर सकता है, शोविंग रोटेशन, रोटेशन दिखाता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द होल बॉडी। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह की होती है। ठीक है, हेलिकल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये क्या करता है, एक फ्लेक्सिसिटी शो करता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, इस तरीके से मूवमेंट करता है ये। ठीक है, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ट्रेपोनिमा पैलिडम कैन नॉट बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप। जो ये ट्रेपोनिमा पैलिडम होता है ये लाइट माइक्रोस्कोपिक के जरिए इसको हम विजिबल नहीं कर सकते। इसको विजिबल, इसको एग्जामिन करने के लिए वहाँ पर डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपिक की ज़रूरत होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेपोनिमा पैलिडम को हम लाइट माइक्रोस्कोपिक के जरिए एग्जामिन नहीं किया जा सकता, वहाँ पर शो नहीं होता है ये। इसके लिए हमें, इसको एग्जामिन करने के लिए डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपिक को यूज़ लेना पड़ता है। कल्चरल कैरेक्टर्स की बात करें हम इसकी, दो जो ट्रेपोनिमा जो पैलिडम जो बैक्टीरिया होता है कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। ठीक है, जितने भी जैसे हमने बाकी अदर बैक्टीरियाज के अंदर जो स्पेसिफिक कल्चर मीडियाज पढ़े थे, जैसे न्यूट्रिएंट एगार मीडियम, ब्लड एगार मीडियम, तो ये जो ट्रेपोनिमा पैलिडम जो बैक्टीरिया होता है वो किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया के अंदर ग्रोथ नहीं करता है। इसकी ग्रोथ करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पर ससेप्टिबल एनिमल्स यूज़, मतलब कि एनिमल पैथोजेनेसिटी के जरिए इसको कल्चर करवाया जाता है। कोई भी ससेप्टिबल एनिमल्स होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके वहाँ पर उसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्जामिन किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी पैथोजेनेसिटी की बात करेंगे कि ट्रेपोनिमा पैलिडम किस तरीके से बॉडी में एंट्री करता है और किस मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी में डिजीज़ कोज करता है। ठीक है, ट्रेपोनिमा पैलिडम कोजेज ए डिजीज़ कॉल्ड सिफिलिस। डिजीज़ कोज करता है जिसको बोलते हैं हम सिफिलिस, एंड नेचुरल इन्फेक्शन विद ट्रेपोनिमा पैलिडम अकर्स ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है इस बैक्टीरिया का वो देखने को मिलता है केवल ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। द डिजीज़ इज़ मोस्ट कॉमनली स्प्रेड बाय डायरेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी। तो अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो सिफिलिस जो डिजीज़ है, इट मीन्स जो ट्रेपोनिमा पैलिडम जो बैक्टीरिया है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में बाय द डायरेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी के जरिए ट्रांसमिट होता है। ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एब्रेशंस ऑन द स्किन और म्यूकोसा और बाय कॉन्जेनाइटली। और उसके साथ में जो अगर स्किन्स पे जो स्किन लेजन डेवलप होते हैं इसके अंदर, इस डिजीज़ में,
तो उन स्किन एब्रेशंस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए भी डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है एंड बाय द कॉन्जेनाइटली, मतलब कि मदर टू फीटस डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो ऑफ अबाउट ए मंथ, रेंज 10 to 90 days एवरेज, ठीक है। एक मंथ या एवरेजली हम बात करें तो 10 to 90 days इसकी इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज़। अगर हम डिजीज़ को डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स एंड स्टेज, तो वहाँ पर दो टाइप से हम डिजीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्वायर्ड एंड सेकेंड कॉन्जेनाइटल। तो एक्वायर्ड टाइप से डिजीज़, मतलब कि डायरेक्टली सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, एंड कॉन्जेनाइटली बाय द मदर टू फीटस डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, ठीक है। जैसे कि एक्वायर्ड टाइप में हम पढ़ते हैं, नेचुरल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस इज़ यूजुअली एक्वायर्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, बाय द डायरेक्टली सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज़ नेचुरली ट्रांसमिट होती है इन द ह्यूमंस। द ऑर्गेनिज्म एंटर्ड थ्रू एब्रेशंस ऑन द स्किन और म्यूकोजा ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो जेनाइटल एरिया होता है, वहाँ पर स्किन एब्रेशंस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, स्किन्स में या फिर म्यूकोजा में। तो जब कभी भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन डायरेक्टली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी हेल्दी पर्सन के साथ में, तो उस स्किन एब्रेशंस के जरिए डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 4 weeks। द ऑर्गेनिज्म इन्वेड द रीजनल लिम्फ नोड्स एंड लीड्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स। इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एंटर करता है रीजनल लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, उसके बाद में जो वहाँ के जो रीजनली लिम्फ नोड्स होते हैं, उन लिम्फ नोड्स को क्या करता है, उनके अंदर स्प्रेड होता है, इन्वेड करता है उनको, और उसके बाद में उन रीजनल लिम्फ नोड्स के अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम द लिम्फ नोड्स द ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम इन लार्ज नंबर एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद में उन रीजनल लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करने के बाद में, उनके अंदर इन्फेक्शन कोज करने के बाद में, ऑर्गेनिज्म जो ट्रेपोनीमा जो पेलिडम है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिस्पोज हो जाता है इन द लार्ज नंबर्स, काफ़ी सारे नंबर्स में, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिस्पोज होने के बाद में पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद में जो रीजनली लिम्फ नोड्स होते हैं, उन लिम्फ नोड्स को लिम्फ नोड्स में एंट्री करता है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन कोज करता है, और उसके बाद में ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिस्पोज होके बॉडी के पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है और डिजीज़ कोज करता है, ठीक है। अब एक्वायर्ड जो टाइप था उसके अंदर हम स्टेजेस की बात करें तो इन्फेक्शन है 4 stages। फर्स्ट है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज के अंदर क्या होता है कि एक पेप्यूल्स स्किन लेजन्स डेवलप होने लग जाता है ऑन द जेनाइटल एरिया। जेनाइटल एरिया के अंदर एक स्किन लेजन्स, स्किन पेप्यूल्स डेवलप होने लग जाता है, अपीयर होने लग जाता है, दैट अल्सरेट फॉर्मिंग ए क्लासिकल चांस ऑफ प्राइमरी सिफिलिस। इट इज़ ए पेन लेस इंड्यूरेटेड एंड सर्कमस्क्राइब्ड लेजन्स। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी स्टेज के अंदर जो जेनाइटल एरिया वाला पार्ट होता है, वहाँ पर स्किन्स के अंदर एक स्किन पेप्यूल डेवलप होने लग जाता है, जो कि कैसा होता है, पेनलेस होता है, ठीक है। यही कंडीशन कहलाती है प्राइमरी सिफिलिस, सिफिलिस डिजीज़ की प्राइमरी स्टेज। अब उसके बाद में सेकेंडरी स्टेज की हम बात करें तो इस प्राइमरी स्टेज के बाद आफ्टर 2 to 6 months के बाद में इसकी सेकेंडरी स्टेज आती है, जिसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट हाईली इन्फेक्शियस होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेज। अब इस सेकेंडरी स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो ट्रेपोनीमा पेलिडम जो बैक्टीरिया है, वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होने लग जाता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू, और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की जो स्किन होती है वहाँ पर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे पर्टिकुलरली ट्रंक्स की हम बात करें, ट्रंक्स की, फेस की, एक्सट्रीमिटीज़ की, हाथ पैरों की, तो वहाँ पर रैशेस और स्किन लेजन्स दिखाई देते हैं वहाँ पे, ठीक है। किसकी वजह से, थ्रू द वाइड स्प्रेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रेपोनीमा पेलिडम एंड देयर डिसेमिनेशन थ्रू द ब्लड,
क्योंकि इसका ब्लड के अंदर डिसेमिनेशन हो जाता है, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, ट्रंक्स में, एक्सट्रीमिटीज़ में, फेस पे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। लेटेंट स्टेज की अगर हम बात करें तो लेटेंट स्टेज के अंदर ऐसा है कि आफ्टर अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी लेजन्स, ठीक है, सेकेंडरी जो स्टेज थी उसके बाद में क्या होता है कि 25% जो केसेज है वो रिकवर हो जाते हैं विदाउट ट्रीटमेंट इन द 4 to 5 years टाइम। जो 25% जो केसेज है वो रिकवर हो जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, और जो 25% जो केसेज है उनके अंदर इन्फेक्शन रिमेंस रहता है विदाउट सिम्टम, कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते बट उनकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। और बाकी बचे हुए जो 50% जो केसेज है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं इन द टर्सरी स्टेज के अंदर, ठीक है, आफ्टर ए लेटेंट पीरियड ऑफ 1 to 33 ईयर्स के बाद में।